इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका वोटर कार्ड पुराना हो चुका है या फिर खराब हो गया है या फिर खो गया है तो कैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो अपने मोबाइल से न्यू वोटर कार्ड, प्लास्टिक वाला यानी पीवीसी वोटर कार्ड कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से, पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे स्टेप्स आपको अच्छे से ध्यान से फॉलो करना है बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में आना है और सर्च में आपको वोटर हेल्पलाइन लिखकर सर्च करना है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा तो सिंपली आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद ओपन वाले ऑप्शन पर टैप करना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद बॉटम में आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहां से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब न्यू वोटर कार्ड ऑर्डर करने के लिए सिंपली यहां पर आपको वोटर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर कार्ड फॉर्म 001 वाले ऑप्शन पर टैप करना है। लेट्स स्टार्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको कोई भी मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब उसके बाद अगर आपको अपना वोटर आईडी नंबर मालूम नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन पर टैप करना है, या अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो सिंपली आपको यस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपके वोटर कार्ड में वोटर आईडी नंबर मेंशन होता है, सिंपली यहाँ पर आपको वोटर आईडी नंबर फिल करना है। वोटर आईडी नंबर फिल करने के बाद आपको फेच डिटेल्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ मेरा वोटर डिटेल्स फाउंड हो चुका है तो सिंपली यहाँ पर आपको बॉटम में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके वोटर कार्ड की डिटेल्स हो जाएंगे जैसे कि नेम, एज, जेंडर, तो सिंपली यहाँ पर आपको चेक करके बॉटम में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना करेंट एड्रेस फिल करना है जहाँ पे आपको वोटर कार्ड को रिसीव करना है। यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर, एरिया, लोकेलिटी, विलेज, पुलिस स्टेशन और पिन कोड फिल करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको कोई एक रीजन देना है अपने वोटर कार्ड को रिप्लेसमेंट कराने के लिए। उसके बाद ईमेल और डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब अपने वोटर कार्ड को कलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए रहते हैं। आप अपने वोटर कार्ड को सीएससी सेंटर से भी रिसीव कर सकते हो, या अपने वोटर कार्ड को बाय पोस्ट के थ्रू भी आप रिसीव कर सकते हो, या अपने वोटर कार्ड को बीएलओ से भी आप रिसीव कर सकते हो। या मैं अपने वोटर कार्ड को बाय पोस्ट के थ्रू मंगवाना चाहता हूं तो सिंपली यहां पे मैं इस ऑप्शन पे टैप करता हूं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर उसके बाद यहां पे नेम ऑफ एप्लीकेंट शो हो जाता है और उसके बाद यहां पे प्लेस आपको फिल करके डन वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद कंफर्मेशन में अपने डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है, प्रीव्यू कर लेना है अपने डिटेल्स को। उसके बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब आपको जो एप्लीकेशन होगा वो सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक रेफरेंस आईडी भी मिल जाएगा। सिंपली आपको इस रेफरेंस आईडी को नोट कर लेना है और अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे आपको बॉटम में एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे टैप करना है और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस आईडी फिल करके ट्रैक स्टेटस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का स्टेटस शो हो जाएगा जैसे कि एप्लीकेशन यहाँ पे अभी सबमिटेड है। उसके बाद का जो स्टेप्स है बीएलओ अपॉइंट करेगा, फिर उसके बाद फील्ड वेरीफाइड होगा, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन होगा एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आपको ईमेल के थ्रू रीजन बता दिया जाएगा। सिंपली आप डिटेल को करेक्ट करके आप न्यू अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप पीवीसी वोटर कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने आपको जो भी स्टेप्स बताया न्यू वोटर कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करते हैं वो सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको न्यू वोटर कार्ड को ऑनलाइन ऑर्डर करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज, कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।